बिस्मिल्लाह रहमान रहीम स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू नाउ टुडे आवर अंजुम फरी एकेडमी आई डिस्कस एंड गिव यू लेक्चर एट फिज़िक्स ग्रेड नाइन्थ यूनिट नंबर वन फिज़िक्स एंड द फर्स्ट डेफिनेशन नेम ऑफ द यूनिट वन फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड द मेजरमेंट एंड फर्स्ट डेफिनेशन इज़ साइंस द नॉलेज Definition of science: the knowledge gained through observation and experimentation is called science. Again, the knowledge gained through observation and experimentation is called science. The word science is derived from the Latin word science, scientia, which means knowledge. It means science is derived from Latin word. यानी साइंस जो है वो लैटिन वर्ड से ड्राइव की गई है और हम ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से जो हासिल करते हैं इलम उसको साइंस कहते हैं. तो नाउ नेचुरल फिलॉसफी. फर्स्ट ऑफ ऑल साइंस ऑल साइंस इज डिस्कस्ड इन वन ब्रांच विच इज़ कॉल्ड नेचुरल फिलॉसफी. नॉट अंटिल 18th सेंचुरी वेरियस एस्पेक्ट ऑफ मटीरियल ऑब्जेक्ट्स वर्ड स्टूडाइट अंडर ए सिंगल सब्जेक्ट कॉल्ड नेचुरल फिलॉसफी. इट मीन नेचुरल फिलॉसफी के अंदर शुरू में 18th सेंचुरी में तमाम के तमाम मटेरियल ऑब्जेक्ट जो थे उनको स्टडी करते थे एक ही ब्रांच में, उसको नेचुरल फिलॉसफी कहते थे. आफ्टर सम टाइम नेचुरल फिलॉसफी इज डिवाइड इनटू टू ब्रांचेस. नंबर वन इज़ फिज़िकल साइंस एंड नंबर टू इज़ बायोलॉजिकल साइंस. फिज़िकल साइंस विच डील द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, यानी जो नॉन लिविंग थिंग जिन में स्टडी की जाती थी उनको फिज़िकल साइंस का नाम दिया गया. एंड बायोलॉजिकल साइंस विच डील्स द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स. इट मीन आल लिविंग थिंग्स आर स्टडाइड इन द बायोलॉजिकल साइंस. यानी बायोलॉजिकल साइंस में हम सिर्फ उन चीज़ों की, जिंदा चीज़ों के बारे में स्टडी करते थे और फिज़िकल साइंस में नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी की जाती थी. तो नाउ इट इज़ टुडे माय लेक्चर इज़ साइंस नेचुरल फिलॉसफी. फिज़िकल साइंस ब्रांचेज हैं नेचुरल फिलॉसफी की एंड बायोलॉजिकल साइंस. तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड माय लेक्चर. थैंक यू वेरी मच. फॉर मोर लेक्चर्स सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू वेरी मच. जजाकल्ला. इसको तैयार कीजिएगा इंशाल्लाह कल नेक्स्ट नया लेक्चर आपको दिया जाएगा. अल्लाह.